इक्वेशन ऑफ लाइन, कभी भी कोई जब इक्वेशन हम निकालेंगे उसमें दो कंडीशन गिवन रहेगा, ऑलवेज टू कंडीशन। फर्स्ट उसका जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहां गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है नोन पॉइंट दैट इज एक्स वन वाई वन, ये दिए रहेगा, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप इज गिवन यू एज वाई एम। ये दो चीज कोई भी लाइन का दिया हुआ है तो उस लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे। सपोज वो लाइन ये है, लेट द लाइन इज दिस वन, एक पॉइंट यहां दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, और इसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है एम। स्लोप का फॉर्मूला जो है तुम्हारा, स्लोप इज कॉल्ड एज व्हाट? टेंजेंट वैल्यू ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ ये कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल, उसी का नाम स्लोप है। सो एम इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। सपोज यू आर टेकिंग एनी अननोन पॉइंट फ्रॉम योर साइड, तुम अपना तरफ से एक अननोन पॉइंट लिए, दैट इज एक्स वाई। अगर इस पॉइंट को लेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, एंड हियर आल्सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? दिस इज योर एक्स जीरो। सिमिलरली ये यहां परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू होगा एक्स वन जीरो। Like this, if you are going to draw a perpendicular, so what is the value of this one? This will be 0 y1, और इसका value होगा तुम्हारा कितना? 0 y। ये अगर theta हुआ तो ये भी theta हुआ। Suppose you are giving its name a, b, c। अभी 10 theta का value कितना आएगा? This value is what? Y minus y1। और ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आएगा x माइनस एक्स वन। क्लियर? ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप का फॉर्मूला में, डायरेक्टली वी कैन पुट, हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे। सो हियर tan थीटा इक्वल टू हाउ मच, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? ab बाय bc। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab? ab यू आर गेटिंग y माइनस y1, bc यू आर गेटिंग x माइनस एक्स वन। तो m का वैल्यू कितना मिला? y माइनस y1 बाय x माइनस एक्स वन। सो हियर y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस एक्स वन। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस एक्स वन। फॉर एग्जांपल अगर इसका एक एग्जांपल ले लें, सपोज यू आर टेकिंग, find the equation of line passing through the point 1, 2 and having slope 1 by 2. You have to find the equation of line, passing through 1, 2. This is the point. And having slope 1 by 2. अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे यहां? व्हाट इज आवर फॉर्मूला? एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। एम का वैल्यू यहां कितना है? हाफ। एक्स माइनस एक्स वन इज वन, वाई माइनस वाई वन इज टू, और यू आर गेटिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू टू वाई माइनस फोर, और एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री, दिस इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर नाउ? व्हेन एनी पॉइंट इज गिवन एंड द स्लोप इज गिवन, जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ स्लोप दोनों दिए रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका क्या है? एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्म इज व्हाट? दैट इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
यहां पे भी दो कंडीशन तुम्हारा दिया हुआ है. व्हाट आर दोज? वन इज योर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज एम, एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दिस इज गिवन यू एज सपोज सी. वाई इंटरसेप्ट सी मीन्स the line is going to cut the y-axis at the point C. So here suppose if you are going to draw the diagram, so here this is the, suppose you are taking this line like this. Y-intercept is given as C. Ye value diya hua hai C. This value is C. It means ultimately the point is given on y-axis, the value of x, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो. तो ये पॉइंट कितना मिला हमको? जीरो सी. सो व्हेन यू आर लेटिंग द पॉइंट इज जीरो सी, तो पॉइंट मिल गया, स्लोप दिया हुआ है, तो तुम पहले ही देख कर गए तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला पे. फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा क्या था? एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन. एम का वैल्यू, सो हियर एम इंटू x माइनस एक्स वन की जगह पे कौन है? जीरो. y माइनस सी और mx इक्वल टू y माइनस सी और y इज इक्वल टू mx प्लस सी. दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्लियर था? जब भी तुम्हारा y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अल्टीमेटली वो तुमको पॉइंट दिया हुआ है. अगर x इंटरसेप्ट देगा देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट. y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा. x इंटरसेप्ट अगर दिया रहता तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू वहां जीरो हो जाएगा. सपोज इसका अगर एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट थ्री एंड स्लोप 1/5. So what will be its equation? तो इसका equation क्या होगा? y equal to mx plus c. यहां m का value दिया हुआ है 1/5, c का value दिया हुआ है that is given as 3. तो यहां जैसे ही put करेंगे y equal to 1/5 into x plus c is 3 और y equal to x plus 15/5 और 5y equal to x plus 15 और x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट योर टू पॉइंट फॉर्म. सो व्हाट इज योर टू पॉइंट फॉर्म? So when two point form, कोई भी लाइन का दो दो पॉइंट दिया हुआ है, यहां गिवन कंडीशन क्या है? एक्स वन वाई वन दिस इज वन पॉइंट, एक्स टू वाई टू दिस इज अनदर पॉइंट. टू पॉइंट ऑफ ए लाइन आर गिवन. सपोज हियर दिस इज द लाइन, वन पॉइंट इज एक्स वन वाई वन, अनदर पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज एक्स टू वाई टू. Then you tell me what is the slope of the line? Line का slope क्या आएगा? When two points are given, m will be what? y2 minus y1 by what? x2 minus x1. This is the slope of the line. You are taking a point here. Suppose let the coordinate of this point is xy. मान लो ये दोनों point को अगर हम compare करेंगे, तो slope of the line कितना आएगा? y minus y1 by x minus x1. ये स्लोप भी इस लाइन का स्लोप है, ये भी इस लाइन का स्लोप है, तो डेफिनेटली दोनों क्या होंगे? इक्वल. सो व्हाट यू फाइंड? y2 minus y1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by what? x minus x1. This is called two point form. For example, find the equation of line passing through 2, 3 and 4, 7.
ये दोनों पॉइंट को देके पास कर रहा है। तो दो पॉइंट तुम्हारा मिल गया, दिस इज कॉल्ड एज एक्स वन वाई वन एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एक्स टू वाई टू। व्हाट इज योर फॉर्म? वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। ये है फॉर्म यूज करते हैं। सेवन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू, दिस विल बी वाई माइनस थ्री बाय एक्स माइनस टू। सेवन माइनस थ्री यू आर गेटिंग फोर, फोर माइनस टू का वैल्यू टू, दिस इज वाई माइनस थ्री बाय एक्स माइनस टू। टू कैंसल, सो व्हाट यू आर गेटिंग टू इंटू एक्स माइनस टू, दिस विल बी वाई माइनस थ्री, और टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई माइनस थ्री, और यू फाइंड टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म। क्लियर नाउ? यहां दो पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट को लेंगे, लाइन का स्लोप मिला वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तुम अपना साइड से एक अननोन पॉइंट लिए और उसको लिए एक्स वाई, ये दोनों पॉइंट को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहां स्लोप मिला वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। दोनों स्लोप एक ही लाइन का है तो बोथ वैल्यू आर इक्वल, दोनों को इक्वेट करने से आवर फॉर्म वी आर गेटिंग वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू y minus y1 by x minus x1, and this is the example of this question. Next form is intercept form. पहले पढ़े थे slope intercept form, वहां slope दिया हुआ था और y intercept दिया हुआ था। यहां intercept form purely both intercepts are given, यहां दोनों intercept तुमको दिए रहेगा, that is called as intercept form. Intercept form where both the intercepts are given. यहां दिया हुआ है क्या? X intercept, that is given you as A. Y intercept, this is given you as B. Suppose अगर इसका डायग्राम में लेते हैं तो this is X intercept, ये कितना दिया हुआ है? A, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? A is no. And this is what? Y intercept, this is given as what? V. ये A दिया हुआ है। अगर ये V दिया तो तुम्हारा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? जीरो V. तो अल्टीमेटली दो पॉइंट तुमको ये दिया। सो व्हाट आर दोज टू पॉइंट्स? A जीरो एंड जीरो V. जब दो पॉइंट देगा, वी ऑलरेडी नो टू पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज दैट? टू पॉइंट फॉर्म इज वॉट वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय वॉट एक्स माइनस एक्स वन। यहां तुम्हारा ये हो गया एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू। वाई टू मीन्स बी, माइनस वाई वन इज जीरो, एक्स टू इज जीरो माइनस एक्स वन इज ए इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाय एक्स माइनस ए। सो व्हाट यू आर रीडिंग? B into x minus a, this will be minus a into y, or bx minus ab equal to minus ay, or you are getting bx plus ay equal to ab. You divide ab, bx by ab plus ay by ab equal to ab by ab. B and B cancel, A and A cancel, AB, AB cancel. What you are getting? X by A plus Y by B equal to 1. This is the equation of straight line which is called intercept form. Both the intercepts are given. X intercept is given you as A, Y intercept is given you as B. So here, suppose you are taking one example. Find the equation of line. Find the equation of line having x intercept. So here, find the equation of line having x intercept 2 or y intercept 3 or whatever you are going to take. मान लो यहां क्वेश्चन तुम्हारा दिया, find the equation of line having
x intercept 3 and y intercept 5. So what will be your equation? X by A plus y by B equal to 1. So yahan aayega tumhara x by 3 plus y by 5, this is equal to 1. Or you are taking the LCM, this is 15. 5x plus 3y, this is equal to 1. Or 5x plus 3y equal to 15. Or 5x plus 3y minus 15 equal to 0. This is the equation of straight line. Next, the last form, that is called as normal form. Last form tumhara hai normal form. Yahan pe kya diya hua hai tumhara given condition? The value of normal, this is given as t. And the normal is going to make an angle alpha with x axis. Alpha is the angle made by normal with x axis. So here, this is the line. If the perpendicular drawn from origin to the line, this is called as what? Normal. This is P. This angle is 90 degree. This is also 90 degree. And this normal is going to make an angle alpha with the x axis. So here, suppose this is given as A, or you are taking this point as B. Then what is the value of cos alpha? Cos alpha you will find what? Here you will get cos alpha. The value of cos alpha will be what? Cos alpha equal to, oh, this is A, B, give its name as C. Cos alpha ka value kitna aayega tumhara yahan? OC divided by OA. OC by OA. Or OA equal to OC by cos alpha, OA equal to OC is P by cos alpha. So it is, value is what? P sec alpha. Ye kya hai tumhara OA? X intercept. To iska value humko kitna mila? P sec alpha. Then if this angle is alpha, then what is the value of this angle? This is 90 minus alpha. When you take cos 90 minus alpha, if you are taking cos 90 minus alpha, what will be its value? This will be OC divided by OB. OC by OB. And you know cos 90 minus alpha equal to what? Sin alpha. Sin alpha equal to OC, that is P by OB. Or OB value you are getting P by sin alpha. Or here OB equal to P cosec alpha. So this value you are getting P cosec alpha. So here this is what? Ye kya hai tumhara? Y intercept. Ye kya mila tumko? X intercept. To dono intercept tumko mil gaya. To dono intercept tumko pata hai. To what is your form? X by A plus Y by B equal to 1. ये हम लोग का form, intercept form. इसी form अगर use करेंगे, तो X by, यहाँ X intercept के जगह पे कौन है? P sec alpha. So you put that, P sec alpha. Plus Y by, B is what? Y intercept. Y intercept का value कितना है? P cosec alpha. So you put here, P cosec alpha. That is 1. Or you are getting x cos alpha by p plus y sin alpha by p. This is what? 1. Or when you are multiplying p, finally you are getting x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This is called as the normal form of equation of straight line. Clear? यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा? The perpendicular distance from origin to the line which is called as normal. Iska value tumhara diya hua hai kitna? P.
And the normal is making from angle with the x-axis, its value is given you as what? Alpha. So then you are getting, by using the triangle rule, you are getting the value of OA, which is x-intercept as P sec alpha. और इसका वैल्यू तुमको कितना मिला p cosec alpha उसको यूज करने के बाद फाइनली हमको मिला x cos alpha plus y sin alpha equal to p this is called as normal form suppose you are going to take one example of this one also इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं find the equation of line where the value of normal to the line p or the normal to the line having value 3 and it makes an angle 45 degree with x-axis. So it is a simple problem. So yahan kya hoga tumhara? What is your formula? X cos alpha plus y sin alpha. This equal to P. So you will get x cos 45 plus y sin 45 that is P is given as 3. So x, what is the value of cos 45? Cos 45 is 1 by root 2. Y sin 45, this is also 1 by root 2. This you are getting 3. Or x plus y root 2 you are getting 3. Or x plus y equal to 3 root 2 or x plus y minus 3 root 2 equal to 0. This is the equation of straight line. So here in this today we are getting 5 different formula of straight line. And what are those? Kya hai tumhara panchho form? First form is what? Again we are going to write all the forms. Point slope form. It is what? M into x minus x1 equal to y minus y1. Ye hai tumhara point slope form. Another form is slope intercept form. Slope intercept form. This is what? Y equal to mx plus c. Next one is what? Two point form. What is that? Y2 minus Y1 by X2 minus X1 equal to Y minus Y1 by X minus X1. Then is intercept form. So what is that? Intercept form kya hai tumhara? X by A plus Y by B equal to 1. This is your intercept form. Then your normal form. What is the normal form? Normal form is what? X cos alpha plus y sin alpha equal to p. Agar ye pancho ko combine karenge, to general equation of straight line aega. And what is that? Ax plus by plus c equal to 0. नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन से फिर बैक कैसा करेंगे हाउ टू गेट स्लोप फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन हाउ टू गेट वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन हाउ टू गेट नॉर्मल फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन हाउ टू गेट एक्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और इसका प्रॉब्लम भी रिलेटेड प्रॉब्लम